नमस्कार, मैं सीमा तरहकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सौ प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। निधि अबादर में लग का सांस्कृतिक भवन का निर्माण, सड़क निर्माण में फिर पानी का बलिदान, नूतनीकरण न करना पड़ा महंगा, 17 शराब दुकाने सील। और प्रबुद्ध भारत बहुउद्देशीय संस्था ने दिया मानवता का परिचय। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सौ प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला में बन रहा सांस्कृतिक भवन अकोला वासियों के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन फिलहाल ये अभी ठंडे बस्ते में है, जिसकी वजह वर्तमान महाराष्ट्र सरकार होने का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार के वक्त अकोला में कला सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए, कलाकारों के लिए और कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अद्यावत संस्कृति भवन को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए 15 करोड़ का निधि भी दिया गया था। स्थानीय रामदासपेट स्थित क्रीड़ा संकुल की जगह पर ये सांस्कृतिक भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हुआ, जिसका अब तक 90% काम पूर्ण हो चुका है। लेकिन निधि के अभाव में नांदेड़ की निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया और ये काम फिलहाल बंद हो गया है। कई सालों के अथक प्रयास के बाद नाट्य कलाकार, नाट्य संस्थाओं ने ये महत्वाकांक्षी प्रकल्प यहाँ पर शुरू करवाया था, लेकिन निधि के अभाव में उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। और अब ये भवन बनकर तैयार होगा भी या नहीं, इस तरह का सवाल पैदा हो रहा है। ग्रीष्मकाल के आते ही पानी का जल संकट हर ओर बढ़ रहा है। कई लोगों को कई दिनों तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। कई जगहों पर टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ऐसे समय जहां हमें पानी की बचत करनी चाहिए, वहीं शहर में कई जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है और रास्तों के निर्माण कार्य की वजह से कई बार पानी की पाइपलाइन फूट जाती है, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह जाता है। इसी तरह की घटना तिलक रोड से मालीपुरा चौक रास्ते के बीच रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जिसमें से हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह रहा है। जल प्रदाय विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं देता है, ये बात समझ से परे है। एक ओर जहां पर अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई की जाती है और तुरंत की जाती है, लेकिन जब फूटी पाइपलाइन रहती है उस वक्त उसे तुरंत दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता, इस तरह का सवाल पैदा हो रहा है। रास्ता निर्माण कर रहे ठेकेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस वक्त वो रोड की खुदाई कर रहे हो उस वक्त पूरा ध्यान रखकर अगर वो काम करे तो इस तरह से पाइपलाइन फूटेगी नहीं और पानी रूपी अनमोल धरोहर इस तरह नष्ट नहीं होगी। राज्य आबकारी विभाग मुंबई के आदेशानुसार प्रदेश के सभी शराब की बियर शॉपी, बियर बार संचालकों को वर्ष 2021-22 का नूतनीकरण शुल्क 31 मार्च के पूर्व अदा करना आवश्यक था, लेकिन अकोला जिले के 17 दुकान संचालकों ने लाइसेंस का नूतनीकरण शुल्क अदा नहीं किया, जिससे जिलाधीश जितेंद्र पापल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की उपायुक्त स्नेहा सराफ के मार्गदर्शन में 17 दुकानों को सील कर दिया गया। प्रशासन द्वारा बरती गई कड़ाई के बाद कुछ दुकान संचालकों ने शुल्क की अदायगी कर दी है, जिसके बाद उन दुकान संचालकों के ताले खोल दिए गए। आगामी दिनों में जैसे शुल्क की अदायगी होगी उसी तरह दुकानें खोली जाएगी। इस कार्रवाई के संदर्भ में आबकारी विभाग की उपायुक्त स्नेहा सराफ ने बताया, सरकार के नियमानुसार आर्थिक वर्ष के अनुसार शुल्क की अदायगी की जानी होती है। जो दुकान संचालक शुल्क की अदायगी नहीं करते अथवा जो अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, उनकी दुकान बंद की जाती है। शुल्क की अदायगी के बाद ही दुकान आरंभ की जाती है, ये कोई कार्रवाई नहीं है बल्कि रूटीन वर्क है जो प्रतिवर्ष होता है। कसम वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे हैं नाते नातों का क्या। ये गीत मानवी जीवन की, रिश्तों की सच्चाई को बयां करता है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के हद में रेलवे के नीचे कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस व्यक्ति का शव सर्वोपचार अस्पताल में लावारिस अवस्था में पड़ा रहा।
शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंतिम संस्कार करे तो कौन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई रिश्तेदार आगे नहीं आया, जिस वजह से ये लावारिस अवस्था में मृतदेह पड़ा रहा। पुलिस स्टेशन की ओर से कई समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क किया गया, लेकिन कोरोना के चलते हुए कई समाज सेवी संगठनों ने संस्थाओं ने इसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नहीं ली। आखिरकार प्रबुद्ध भारत बहुउद्देशीय संस्था के संस्था अध्यक्ष महेंद्र डोंगरे से संपर्क किया गया, तब उन्होंने सर्वोपचार अस्पताल जाकर मृतदेह को लेकर आकोट फाइल शमशान भूमि में बौद्ध धम्म संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके इस कार्य ने बता दिया कि मानवता आज भी कहीं न कहीं जिंदा जरूर है। वंचित बहुजन आघाड़ी तसेच प्रबुद्ध भारत बहुउद्देश संस्था तारफिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील एक बेवारस लाश आम्ही आज अकोटफाईल स्मशानभूमी येथे आतमध्ये दफनविधीचा कार्यक्रम केलेला आहे। दफनविधीचा कार्यक्रम करताना आम्हाला खूप अडचणी आलेल्या आहेत, परंतु सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन आणि जे माझे सहकारी आहेत यांच्यामुळे हे शक्य झालेलं आहे। आणि अकोल्यामध्ये कोणतीही बेवारस लाच असली तर आम्हाला सांगणे, कारण की हे सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनवाले चार दिवसापासून फिरत आहे, जनता बँकच्या इकडे गेले, जनता बँक पण म्हणे का बाबा आम्ही कोरोनामुळे बंद केलेलं आहे, पण त्यानं मला फोन लावला, तसंच मी 10 मिनिटांमध्ये मेन हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि बावडी ताब्यात घेऊन आम्ही इथं सरळ घेऊन आलो आणि त्यांचा अंतिम विधी केला आम्ही। धन्यवाद। वर्तमान में कोरोना संक्रमण का प्रकोप देखते हुए बारशीदागली तहसील के राशन दुकानदारों की कोविड रैपिड स्वैप टेस्टिंग तहसील कार्यालय के प्रांगण के शासकीय अनाज गोदाम में 1 अप्रैल 2021 को की गई। राशन दुकानदार शासकीय राशन के सार्वजनिक क्षेत्र के विक्रेता हैं। उनके दुकान में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्राहक राशन खरीदी के लिए आते हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण होने का भय है। इस पृष्ठभूमि पर अकोला जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार बारशीदागली तहसील के राशन दुकानदारों की कोविड टेस्टिंग कराई गई। इस दौरान आरोग्य विभाग ने कुल 90 राशन दुकानदारों की कोविड रैपिड स्वैप टेस्टिंग की। घरेलू गैस सिलेंडर की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है। लगभग हर जगह इन दरों में 10 रुपए की कमी की गई है। एक सिलेंडर की कीमत पिछले एक साल में 225 रुपए बढ़ी है, लेकिन कमी के नाम पर सिर्फ 10 रुपए किए गए हैं। सिलेंडर के बढ़ते दाम ने कोरोना में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की कमर तोड़ दी है। कोरोना के साथ नागरिकों को महंगाई का संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान में ईंधन, तेल, खाद्य तेलों की और दालों की भी कीमतें बढ़ गई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 10 महीनों से सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ रही है। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत केवल सिर्फ 10 रुपए कम की है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी है। LPG कटौती से उपभोक्ताओं को फायदा होने का महज दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ये फायदा संतोषजनक नहीं है। पिछले 4 महीनों में गैस सिलेंडरों की कीमत 225 रुपए बढ़ी है, इसलिए महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए 10 रुपए की कटौती बहुत ही कम है। कटौती के बाद बिना सदस्यता वाले गैस सिलेंडर की कीमत 829 रुपए हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 839 रुपए थी। मई 2020 के बाद पहली बार है कि LPG की कीमतें कम की गई है, लेकिन ये महज एक दिखावा है, एक छलावा है। इससे सिर्फ आम नागरिक को तकलीफ ही हो रही है। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। ब्राजील के बुटानटन बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रमुख दिमास कोवास ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले दिखे एक स्ट्रेन जैसा कोरोना वायरस का एक नया वेरियंट साओ पाउलो राज्य में मिला है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली पाकिस्तानी कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले को खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच 2 साल से व्यापार स्थगित है। एक शख्स ने पीएम मोदी और शेख हसीना की तस्वीरों से बना अपमानजनक वीडियो हुआ है अरेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना का मजाक उड़ाते हुए वीडियो म्यूजिक बनाया कर उसे अपने फेसबुक टाइमलाइन पर पोस्ट किया था। एक स्वतंत्र आर्बिट्रेटर ने ड्राइवर्स द्वारा एक अमेरिकी यात्री महिला को 14 बार यात्रा कराने से इनकार करने को लेकर उबर को पीड़ित महिला को 8 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। रूस के डॉक्टर्स ने एक सदी पुराने अस्पताल में आग लगने के बावजूद पूरी की ओपन हार्ट सर्जरी।
यह अस्पताल एक सदी पहले 1907 में बना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के अलावा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की अफवाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर टीएमसी ने कहा है कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेगी और वो वाराणसी होगा। पत्थरगंडी असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में कथित तौर पर ईवीएम मिलने से उस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब और लोकतंत्र की हालत खराब। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के भीतर गुटबाजी के कारण काम करने में असमर्थ है और साथ ही कहा कि पार्टी में ऐसे लोग हैं जो असुरक्षित महसूस करते हैं और वो उन्हें काम नहीं करने देते। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने फिल्म पगलेट में उनकी परफॉर्मेंस के लिए कंगना रनौत से मिली तारीफ पर कहा कि वह इंडस्ट्रीज में मेरी वरिष्ठ है और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैन वर्सेस वाइल्ड के मशहूर एंकर बेयर ग्रिल्स ने कहा कि 25 साल पहले कमर टूटने के बाद रोज दर्द करती है। 1996 में जाम्बिया में स्काई ड्राइविंग के दौरान पैराशूट की खामी के कारण बेयर पीठ के बल पर गिरे थे। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने आगामी फिल्म द बिग बून के ऑडिशन न देने का खुलासा करते हुए कहा कि मुझे यकीन था कि अगर ऑडिशन दिया होता तो कुकी गुलाटी यानी कि निर्देशक मुझे रिप्लेस कर देते। अनुपम खेर ने पत्नी सांसद किरण खेर के ब्लड कैंसर से पीड़ित होने की खबर के बाद लोगों द्वारा उनके ठीक होने की कामना पर आभार जताया है। पंत के साथ नाम जुड़ने की अफवाह के एक साल के बाद उर्वशी बोली, मैं किसी क्रिकेटर को नहीं जानती। एक फैंस ने उनसे इंस्टाग्राम पर सवाल किया था जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। निधि अबादर में लग का सांस्कृतिक भवन का निर्माण, सड़क निर्माण में फिर पानी का बलिदान, नूतनीकरण न करना पड़ा महंगा, 17 शराब दुकानें सील, और प्रबुद्ध भारत बहुउद्देशीय संस्था ने दिया मानवता का परिचय। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। फिर मिलेंगे नई खास खबरों के साथ, तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।